मैं डॉक्टर निखिलेश्वर प्रसाद वर्मा श्री देवेंद्र जी का आभार प्रकट करता हूं जो उन्होंने मुझे जन सरोकार मंच पर काव्य पाठ का अवसर प्रदान किया। मैं स्थायी रूप से पटना का निवासी हूं और पेशे से फिजिशियन कार्डियो डायबिटोलॉजिस्ट और इंटेंसिविस्ट हूं। मेरा जन्म गीतों के राजकुमार कहे जाने वाले गोपाल सिंह नेपाली की धरती बेतिया, जो कि पश्चिम चंपारण जिला में है, हुआ है। बेतिया एक रजवाड़ा रहा है, इसलिए वहाँ के माहौल में साहित्य, कला और संस्कृति आज भी विद्यमान है। किसी जमाने में वहाँ नियमित रूप से अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, मुशायरा और संगीत समारोह हुआ करते थे। मैंने वहीं पे गोपाल दास नीरज को भी सुना, किशोरी अमोनकर का गायन सुना, किशन महाराज और गुदई महाराज का तबला सुना, सितारा देवी और गोपी कृष्ण जी का डांस भी देखा। मेरे पिता स्वयं एक प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ थे और मेरी माता और पिता दोनों को कला के क्षेत्र में बहुत अभिरुचि थी। अपने कॉलेज के दिनों में वो लोग ज़्यादातर नाटक किया करते थे। उन लोगों ने ऑल इंडिया यूथ फेस्टिवल में हर बार हिस्सा लिया। मेरी माँ को हर बार जब भी उन्होंने हिस्सा लिया उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। मेरे पिता इप्टा के लिए भी नाटक में काम किया करते थे। बिहार में जब भी नाटक का इतिहास लिखा जाएगा इन दोनों का नाम अवश्य लिया जाएगा। मेरी माँ का श्री रामवृक्ष बेनीपुरी की नाटिका अम्रपाली में अम्रपालिका का किया हुआ किरदार पुराने जमाने के लोगों को, पटना के जो हैं उनको आज भी याद है। और बेतिया में इन दोनों द्वारा खेला गया नाटक मेरे होश में, जो एक चिराग जल उठा ज्ञानदेव अग्निहोत्री का था, और बैगन की नाव जो शरद जोशी का एक एकांकी था, आज भी उस 70 के दशक के लोगों को याद है। इसी माहौल की वजह से मेरे अंदर भी साहित्य में रुचि हुई और मैंने कम समय में ही लिखना शुरू कर दिया। मेरी पहली कहानी फ्लेम ऑफ लाइफ पत्रिका में राखी के नाम से छपी थी। इंटरमीडिएट में मेरा पहला काव्य संग्रह रजनीगंधा की महक नई धारा के तब के संपादक श्री उदय राज सिंह ने छापा था। उसके बाद मैं राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में धीरे धीरे छपने लगा था। मेरी रचनाएं आजकल, कादम्बनी, नई धारा, ज्योत्सना आदि पत्रिकाओं में आने लगी थीं। मेरे लेखन के आरंभिक दिनों ने मेरे बड़े भाई की तरफ प्रोफेसर राजेश रंजन वर्मा ने मेरा बहुत मार्गदर्शन किया, मैं आज भी उनका आभारी हूँ। अपने इस आत्म परिचय के साथ अब मैं अपना काव्य पाठ शुरू करता हूँ। पहली कविता, इसका शीर्षक है रजनीगंधा की महक। कल जब हम और तुम न रहेंगे तो रहेंगी हमारी यादें। कल जब हम और तुम न रहेंगे तो रहेंगी हमारी यादें, रजनीगंधा के फूलों सी महकती मीलों तक। सरसों के खेत, गांव की पगडंडियां, बरसात, सब वे जो साक्षी हैं हमारे मिलन के, गुनगुनाएंगे हमारे अफसाने। नदियों की लहरें सरगम में अपने पिरो देंगी हमारे स्वर। क्षितिज एक छोर से दूसरे छोर तक सुगंधित हो जाएगा। समय तभी अचानक बढ़ाकर अपना हाथ कैद कर लेगा इस महक को। समय तभी अचानक बढ़ाकर अपना हाथ कैद कर लेगा इस महक को, यादों के विशाल दायरे को मिटा देगा। धूल की परतों में रजनीगंधा का पौधा छिपने लगेगा, फिर वहां मलबों का एक ढेर जमा हो जाएगा। कुछ ही दिनों के अंतराल में
फिर वहां रजनीगंधा का एक पौधा उगेगा, घना, खूबसूरत, दिलकश, पर तब उसकी महक किसी और के अफसाने कहेंगी। दूसरी कविता है उदास होती धूप। रोज तो हमारा मिलना भी नहीं होता, रोज तो हमारा मिलना भी नहीं होता, ना ही कभी ऐसा हुआ है कि मैं तुम्हारी गोदी में सिर रखकर आंखें मूंद लूं। वह उम्र भी नहीं रही जो झुरमुटों की ओट में हम बैठे, वह उम्र भी नहीं रही जो झुरमुटों की ओट में बैठे। कॉफी हाउस में भी कितनी ही बार हमने एक दूसरे की नजर बचाकर बार बार घड़ी की सुइयां देखी हैं। तुम और तुम्हारा जीवन, मैं और मेरा जीवन, बीच में बहती बिना पुल के समय की नदी। फिर ऐसी क्या बात है जो अगर न हो तुम शहर में, फिर ऐसी क्या बात है जो तुम अगर न हो शहर में, तो शरद की धूप हो जाती है उदास। यादें, क्या कहूं यादों को जो होती तो हैं पुरानी ही, पर हर बार जख्म नया दे जाती हैं। क्या कहूं यादों को जो होती तो हैं पुरानी ही, पर हर बार जख्म नया दे जाती हैं। अनायास ही कहीं भी कभी भी, अनायास ही कहीं भी कभी भी चुपके से आ जाती हैं आईना बनकर, बिना आवाज के न जाने क्या चिटक जाता है फिर से अंदर। किर्चियां जिसकी दिखती नहीं पर चुभती हैं रह रहकर, एहतराम है उनका, मोहब्बत भी है बेपनाह उनसे, फलक में बिछती है रात की जब चादर, मेरे साथ जागती तो यही हैं। अगली कविता का शीर्षक है बदलते शहर की तस्वीर। अब जो लौट कर तुम आओगे तो नहीं मिलेंगी वे गलियां, अब जो लौट कर तुम आओगे तो नहीं मिलेंगी वे गलियां जहां लड़कियां खेलती थीं कित-कित, अहाते वाले मकान भी नहीं होंगे जहां लड़के चुराया करते थे आम, इमली, अमरूद, नीम दोपहरिया में। कितने ही घरों के नेम प्लेट बदल चुके होंगे, मैदान पटे होंगे कंक्रीट से, और बच्चों को पता नहीं होगा कि दूध गाय देती है या फिर धान गेहूं खेत के गहने हैं, और बच्चों को पता नहीं होगा कि दूध गाय देती है या फिर धान गेहूं खेत के गहने हैं। मिलेंगी बस सुरक्षित स्थान की तलाश में हाँफती सांसें, लथपथ लंगड़े पैरों से दौड़ते, हुजूम में ढंग का एक भी इंसान नहीं होगा, हुजूम में ढंग का एक भी इंसान नहीं होगा। जिन जड़ों की तुम्हें तलाश होगी वे धस चुकी होंगी जाने कितनी अंदर। बदलते अपने ही शहर में, अपने ही शहर में तुम अपनी पहचान ढूंढते रह जाओगे। अगली कविता है गिलहरी घड़ियों में। गिलहरी घड़ियां अपनी पतली कांपती उंगलियों से जब भी बुनती हैं धुंध, गिलहरी घड़ियां अपनी पतली कांपती उंगलियों से जब भी बुनती हैं धुंध, तुम्हारा टिकुली सा चेहरा हथेलियों पर टिका उभरता है। जो पास पास किंतु निर्लप्त खड़े उदास ठूंठ के बीच उभरता है पूरा चांद।
मैं खुद में ही सिमटे पहाड़ी शहर सा ढूंढने लगता हूँ तुम्हें पुराने अक्षरों के घरांदों में। चूम लेना चाहता हूँ तुम्हारी पेशानी पर बिखरी लटें मेरे नाम के तुम्हारे आंसू अधरों का सुट कंपन। एक प्यास डुबोने लगती है यह निपट आकाश सा मन गहरे बहुत गहरे तक और तुम बेहद करीब आकर मेरे फिर कहीं दूर बहुत दूर जाती नजर आती हो। पर्यावरण को लेकर मेरी चिंता हमेशा से बनी रहती है और मुझे लगता है कि ये धरती हम सबके लिए है, सिर्फ मानव के लिए ही नहीं। इसलिए हम तभी सुखी रह सकते हैं जब हम पर्यावरण से संतुलन बना के रहें। उसी पर एक कविता है, जीवन के लिए संतुलन। आग पानी रोशनी हैं तो हमारे सहचर, आग पानी रोशनी हैं तो हमारे सहचर, फिर क्यों रूठ जाते हैं आजकल रह रहकर। क्यों नदी जो सवारती है धरती के यौवन को कर देती है जिसे वह रूप रंग गंध से सराबोर अनायास ही चिंघाड़ने लगती है। जलमग्न कर देती है इसी धरती का हिस्सा। क्यों आग जिसने सिखलाई हमें सभ्यता की सीढ़ियां चढ़ना अचानक ही बन जाती है दावानल और भस्म हो जाते हैं शहर के शहर जंगल के जंगल। क्यों रोशनी जो फाड़ती है अंधेरा यक बयक इतनी तेज हो जाती है कि आंखें चुंधिया ही नहीं अंधी हो जाती हैं। क्या यह हमारे अंदर का दम या प्रकृति पर विजय की उत्कंठ लालसा है जो आग पानी रोशनी को नहीं रहने देता सहचर, जो धरती के अंतिम गांव आर्टिक में बर्फ के पहाड़ों में बहने लगी है नीली नदी। जीवन बना रहे इसके लिए हमें जरूरी है सीखना हवा में टंगी रस्सी पर चलना उतनी ही कुशलता से जितनी की चल लेती है कोई नट की बच्ची। जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि आदमी को लाख कोशिश करने के बाद भी कोई रास्ता नहीं सूझता। मेरा ख्याल है तब परिस्थिति को ही छोड़ देना चाहिए कि वह कोई रास्ता निकाले। कविता का शीर्षक है, जीवन को लिखने दो। लहरें जब शिलाखंड से टकरा कर थक जाएं, सूरज के अश्व बादलों के पाश में कैद हो जाएं, न चाहते हुए भी घर के एक आंगन में कई कई आंगन बन जाएं, तब शायद यह समय है कटी पतंग की तरह हवाओं पर भरोसा करने का। सुनो कोई फुसफुसा रहा है, जब स्वयं से न लिख पाओ पृष्ठ अपने जीवन का। सुनो कोई फुसफुसा रहा है, जब स्वयं से न लिख पाओ पृष्ठ अपने जीवन का, तो जीवन को ही लिखने दो पृष्ठों को। आखिर घने से घने जंगल से भी कोई राह बाहर निकलती तो है। अगली कविता है, दीप की शिखा। दीप की शिखा इकहरी रह रह कर कांपती, दायरे में सीमित इसकी रोशनी। दीप की शिखा इकहरी रह रह कर कांपती, दायरे में सीमित इसकी रोशनी। नहीं दिला सकती किसी फ्लड लाइट्स की तरह रात में दिन का आभास, पर पूछो सघन रात्रि में समंदर की चिंघाड़ती लहरों पर दिशा खो चुके नाविक से कितना जगाती है यह विश्वास जब दिख जाती है।
विश्वास का यह जलता दीप ही तो है जो अकेला आदमी पत्थर काट कर रास्ता बना लेता है या फिर स्वर्ग से नदी धरती पर उतार लाता है। जब जब होता है तम तत्पर नव में लेने को अपने साम्राज्य का विस्तार, जब जब होता है तम तत्पर नव में लेने को अपने साम्राज्य का विस्तार, यह पतली डोर सी कांपती लौ तन जाती है चुनौती बनकर। बनारस में गंगा के किनारे सुबह और शाम जाना हमेशा आनंददायक होता है। एक यात्रा के समय जब मैं बनारस में था सुबह में, उसी समय की यह कविता है। गंगा किनारे अल सुबह फिर एक नए सफर पर जाता चांद, और पनघट की सीढ़ियां शनय शनय उतरती सूरज की किरणें। अल सुबह फिर एक नए सफर पर जाता चांद, और पनघट की सीढ़ियां शनय शनय उतरती सूरज की किरणें। फैल रही स्वर्णिम वर्ग सी मंथर नर्तन करती लहरों पर, मंथर नर्तन करती लहरों पर जो कहीं कहीं गिरती तो अतिरिक्त उत्साह से उठती। ये तो कट हुई गड़बड़ थी चक्कर। गंगा किनारे अल सुबह फिर एक नए सफर पर जाता चांद, अल सुबह फिर एक नए सफर पर जाता चांद, और पनघट की सीढ़ियां शनय शनय उतरती सूरज की किरणें। फैल रही स्वर्णिम वर्ग सी मंथर नर्तन करती लहरों पर, और पनघट की सीढ़ियां शनय शनय उतरती सूरज की किरणें। फैल रही स्वर्णिम वर्ग सी मंथर नर्तन करती लहरों पर जो कहीं कहीं गिरती तो अतिरिक्त उत्साह से उठती। गूंज रहे घंटे घड़ियाल बह रहे अब तक रात के द्वीप, प्रकृति धो रही आलस के वस्त्र, फड़फड़ाए फिर से परिंदों के पंख। गूंज रहे घंटे घड़ियाल बह रहे अब तक रात के द्वीप, प्रकृति धो रही आलस के वस्त्र, फड़फड़ाए फिर से परिंदों के पंख। उस किनारे वृक्षों की पत्तियां चावल डोलाती, इस किनारे रह रह कर हवाएं गुदगुदी करती भाग जाती। गति एक गति है चहुं ओर जिसे आत्मसात करने के लिए आवश्यक है अंतस में एक ठहराव। में दो छोटी छोटी कविताएं, एक जिसका शीर्षक है वे दोनों। वे दोनों जब मिले चुप्पी का एक जलजला उठा, वे दोनों जब मिले चुप्पी का एक जलजला उठा, और ढह गए खतों के पुल। स्थिर अधर शून्य नयन बर्फ होता बदन, चलता रहा सिर्फ समय, वे दोनों सिर्फ खतों के लिए ही बने थे। और अंतिम कविता है परिंदे। शहरों की तरफ परिंदे शहरों की तरफ जाने से कतराने लगे हैं, परिंदे शहरों की तरफ जाने से कतराने लगे हैं, विघ्न है अब तक कैसे रक्त सने हाथों को रुमाल से पोंछकर आदमी इत्मीनान की नींद ले सकता है। आशा है ये कविताएं आपको पसंद आई होंगी। मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देता हूँ अपना कीमती समय निकाल कर इन्हें सुनने के लिए, और विशेष रूप से फिर जन सरोकार मंच और उसके प्रणेता श्री देवेंद्र जी को अपना आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।